मैं कपिल चौबे और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से, देखिए हमारे संवाददाता सागर मंडल की रिपोर्ट। पढ़ने के लिए अंदर कोई नहीं आएगा, मौलवी कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है, इमाम साहब बुलाइए, बुलाइए इमाम साहब को बुलाइए। दोनों एक बार ये बीमारी खत्म हो जाए उसके बाद पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। इमाम साहब ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है, ये सीरियस लास्ट वार्निंग है, ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए इसको यहाँ से बोलिए कि घर में सब नमाज पढ़ेगा, यहाँ नहीं आए, कल से ये बंद रहेगा, चार पांच जन पढ़िए बस, यहाँ कोई नहीं आए। अपनारा सबाई बाड़ीते नमाज पढ़िलेन, एखन जो अवस्था आमी जेरकम भावे बोलछि ओरकम भावे अपनारा बाड़ीते नमाज पढ़बेन, ठीक आछे, केउ मस्जिदे आसबेन ना, मस्जिदे आजान होबे, दुई तीन जने मिले आमरा জুম্মার দিনে গত দুই জুম্মা আসেনি, এই জুম্মাতে আসলো, এসে একটা বিশেষ মিটিং ছিল, যাই হোক ভুল কারণে সবাই চলে এসেছে, নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আসবে না, এটাই। কি নাম আপনার? আমার নাম তসলিম রাজা। कितने सारे मस्जिद हैं, लेकिन उसमें आप जाके देख लीजिए, मोस्टली हर जगह लोगों को समझा बुझा कर, इमाम लोगों से बात करके, मीटिंग करके लोगों को हटा दिया गया है। चार पांच जन मुश्किल से बैठ के नमाज़ पढ़ते, ज़्यादा नहीं। अभी ये लोग थे तो अभी इन लोगों से भी फिर बात हुई, तो लोगों ने कोऑपरेट किया, लोग मान गए और लोग फिर तुरंत जैसे बात समझे, लोगों ने सिचुएशन को समझा, तुरंत निकल गए। इमाम ने भी हेल्प किया, आगे से भी बात इनको बोल कर रखेंगे कि आगे से इस तरह की फिर से कोई बात, मतलब फिर दोबारा रिपीट ना हो, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है।